रहते तो गंगा जल रख देते हैं, और ये मम्मी की थाली लगा दी है मैंने, और ये मेरी अग्यारी हो रही है, तो अभी मैं अग्यारी उठाती हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता शर्मा, मन की बातें, मन के काम। तो आज है हमारी सासू माँ का श्राद्ध, और आज महालक्ष्मी आठवीं, जिसके हमारी यहाँ पूजा होती है। तो मैं उठी हूँ 4 बजे की, क्योंकि इनको टिफिन भी देना होता है। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पूरा खाना मेरा कंप्लीट बन गया है। 8:30 बजे हैं अभी, और अभी ऑफिस जाएंगे। इसके बाद मैं होंगी तैयार, साड़ी सूड़ी पहनूंगी, पहले पूजा करूंगी महालक्ष्मी जी की। जब तक जिनका नोता किया है मैंने, वो आ जाएंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे वीडियो को देखने मिलेंगे। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, और मैं हो गई हूँ रेडी। देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे करनी है महालक्ष्मी आटे की पूजा भी है आज होती है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी वेयर की है मैंने। और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी फटाफट पूजा निपटा लेती है, ऑफिस निकल गए हैं। तो पूजा करके फिर वो आंटी आ जाएंगी, तो उनको नौता खिलाना है। तो बनी रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग। मेरी पूजा की तैयारी मैंने अभी इतनी करके छोड़ दी है, भगवान का भोग भी लगा दिया है। तो मैं तैयारी कर देती हूँ पहले मम्मी की, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घिरौची पे होता है। तो ये मेरे कल फिर गंगा जल आ गई है कहीं से, तो पहले यहाँ पर घिरौची पे हमारे देवी देवता रहते हैं, तो गंगा जल रख देते हैं। और ये मम्मी की थाली लगा दी है मैंने, और ये मेरी तैयारी हो रही है, तो अभी मैं तैयारी उठाती हूँ। तो हमारे यहाँ जो भी कुल देवी देवता होते हैं, जैसा मैंने बताया था, जो पानी का जहाँ मटका रखा जाता है वहीं पर घिरौची बोलते हैं, और उसी पे हमारे यहाँ देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। तो हम कभी भी दशहरे की दोष पे जब भी इनकी आहुति निकालते हैं, तो हम यहीं घिरौची पर निकालते हैं। और पितृपक्ष के जितने भी हमारे यहाँ 15 दिन जो होते हैं, वो यहीं घिरौची पर उनकी अग्यारी होती है। तो मेरी सासू माँ जब जिंदा थी, तो उन्होंने जब उनको कैंसर हुआ था, और कैंसर होने के बाद ही मतलब उनको लगा था कि शायद मैं नहीं रहूँगी, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि मेरी सुहागिन जरूर तुम करना। मतलब उन्होंने जीते जी मुझे बोला था कि मेरी सुहागिन जरूर करना तुम। तो तब से मैं करती आ रही हूँ उनके ना रहने के बाद भी। और उन्होंने मुझे हर छोटी बड़ी चीज़ बड़े उससे सिखाई थी, और वो उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी, जिनको कहते हैं हर आदमी में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनकी कौन सी चीज़ ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वही अपने सासों में और कमियाँ ढूंढते हैं, सब में कमी होती है। शायद कल मैं सास बनूंगी तो शायद मुझ में भी कुछ कमियाँ हों, लेकिन जब भी हमारे कुछ बुजुर्ग होते हैं ना, वो कुछ अच्छी सीख ले देते, तो हमें उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। तो हमें और मुझ में ये चीज़ थी कि मैंने अपनी सासू माँ की जो अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी थी उनको ग्रहण किया, और हमेशा कोशिश की कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। ये तो देखिए दुनिया की रीत है कि सास बहू, हमारी दादी कहती थी कि सास बहू के तो अपरा कपरा होते हैं, आज हमारे लिए हैं तो कल तुम्हारे लिए हैं। और मैं उनका वेट करूँगी, और मैं आपकी सासू माँ का फोटो दिखाती हूँ। तो ये पापा हैं और ये मेरी सासू माँ है। आज मम्मी का दिन है, ये देखिए, ये है मम्मी, ये फोटो भी मैंने मम्मी का बड़ा करवाया था। ये मेरी भाभी पूनम आ गई है, और टीना के साथ टीनो, ये देखो ये दोनों आ गई है। आज ना स्कूल ही गई, और ये और मैं और पूनम बना रहे हैं गड़ा, जिसको हम गड़ा बोलते हैं। इसको हाथ पे बांधते हैं और लंबा धागा लेते हैं, लंबा नहीं होता मतलब कलावा होता है, उसमें 16 गठाने लगाएंगे, और 16 गठान लगा के पहले भगवान को चढ़ाएंगे, हम हाथी जी को, लक्ष्मी मैया को चढ़ा के फिर हम अपने हाथ पर बांध लेंगे। और मान्यता होती है कि हम सभी अपने परिवार को, फैमिली को इकट्ठा बांध के रखना, और अपने सुहाग को बांध के रखना, अपनी फैमिली में बरकत के लिए बांध के रखना, हर छोटी बड़ी खुशियों को बांध। और यहाँ पर पूनम मुझे मन लगा रही है महावर, जो महावर होता है वो हम लोगों को बहुत सुहाग की निशानी माना जाता है। तो पहले भगवान को महावर लगा के, माता रानी को महावर लगा के हम लोग महावर लगाते हैं, फिर हम पूजा शुरू करते हैं, क्योंकि बिना महावर के हमारे यहाँ पूजा शुरू नहीं मानी जाती। सुहागन स्त्रियों को महावर जरूर लगाना चाहिए। तो पूनम ने मुझे महावर लगा दिया था, अब वो खुद को लगा रही है महावर। और ये देखिए हमारी पूजा हो चुकी है, पहले भगवान को महावर लगाते, बिना महावर के हमारी पूजा नहीं होती है। तो हमारी पूजा हो गई, अब हम कहानी सुनेंगे। वो पत्नी के प्रति अर्घ्य देवे और लक्ष्मी की प्रार्थना करें, व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मण को भोजन करावे, उनमें हवन कराए, खीर की आहुति दें, चंदन ताल पुत्र पुष्प माला अक्षत दुर्वा लाल सूप सुपारी नारियल तथा नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16 16 की संख्या में रखें, फिर नए दूसरे सूप को ढककर निम्न मंत्र को पढ़कर लक्ष्मी जी को समर्पित करें। क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु बल्लभा माँ लक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद 4 ब्राह्मण 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें, फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख होकर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं।
एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र को आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों देख ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी ने माता कुंती तथा गांधारी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विनी कृष्ण एकाष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दिन को 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के आरती पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगरों की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई, साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं वे उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में बनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। फिर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने ब्राह्मण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग के अंदर का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक उड़वाकर नवीन जैस्मीन वस्त्र भिजवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला अभी गुलाल केसर हाथों में पंक्ति वृद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे गड़ने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नारियों ने पुष्पमाला अबीर गुलाल केसर आदि सुगंधित पदार्थ का स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा सूचित पाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरिया के साथ भोजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी का व्रत जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ लालसे में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी जी का विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं उनके घर धन दान से परिपूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी यह स्तुति अवश्य बोले, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुम स्वरेश्वरी हर प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुम दयानिधि। पूरी करो जग बलिहारी सफल करो सेवा।
और हमारी पूजा हो गई है, अब हमारे आएंगे आंटी तब हम लोग उनको खाना वाना खिला के फिर कुछ खाएंगे। चलो, जैसा कि मैंने बताया था आज मम्मी की सुहाग है, तो ये सुहाग का सारा सामान और साड़ी मैंने निकाल के रखी है उनके ग्यारी करके, और मैं इनको दे दूंगी। सासू माँ की बड़ी इच्छा होती है, जब वो जिंदा थी तभी उन्होंने बोला था कि मेरी सुहागिल जरूर करना हमेशा, तो मैं हमेशा उनके सुहागिल टाइम पे करती हूँ। और पूजा हो चुकी है और अब मैं कर रही हूँ आंटी का वेट, तो गर्मी भी बहुत हो रही, थोड़ा सा पानी पी लिया है, अभी कुछ खाया पिया नहीं है, जब तक वो नहीं खा जाएंगे तब तक नहीं खाऊंगी। तो अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा इसी में रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और थोड़ी देर बैठने के बाद जब तक वो आ जाएंगी उसके बाद मैं उनको खाना खिलाऊंगी। हमारी आंटी आ गई हैं, एक कहावत है दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। ग्वालियर से आई है ये। आज भैया और आंटी ने भोजन शुरू कर दिया है, देख कितना अच्छा लग रहा है। आंटी ग्वालियर से है और आंटी का और मेरा घर ग्वालियर बिल्कुल बगल बगल में है, एक ही दीवार हमारी, और मम्मी की सहेली भी थी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आंटी आई है खाना खाने पे। तो मुझे नीचे बैठने में होती है दिक्कत, तो मैंने पूनम को बोला, मेरी जो भाभी है, मैंने कहा महावर लगा दे, हमारे यहाँ खुद ही महावर लगाते हैं, और आंटी को सुहाग का सामान दे दिया है मैंने, और अच्छा लग रहा था आंटी आए थे तो। मैंने जो महाशिवलक्ष्मी की पूजा का सामान था वो भी आंटी को दे दिया है, हमारे सास नंदों को ही या मान्य धान्यों को ही दिया जाता है, तो वो भी मैं आंटी को ही दे रही हूँ। अंदर तो अपना अपना रहता है सब। हाँ। अब मैं आवाज बाज में करूंगी क्योंकि आवाज आ रही है ना टक टक। वो फोटो कह रहा है भेज देगा लिंक। हाँ मुझे भेज दे वो लिंक, मैं ले लूंगी, फोटो भी खींच लेंगे। और आंटी की कैब आ गई है, आंटी जा रही है, ग्वालियर मिलते हैं। हाँ ग्वालियर मिलते हैं, तो ग्वालियर निकल जाएंगे आंटी फ्राइडे को। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, अपना कोई आ जाता तो ये नहीं लगता कि दिल्ली में ग्वालियर। और आंटी भी चली गई हैं, और ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं भी गई हूँ थक, अब अपना काम निपटाऊंगी फटाफट।